कराने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू के लिए बस आपके पास बचे हुए हैं 2 वीक, और 2 वीक में इंटरव्यू की तैयारी करवानी है। और मिशन 50 के लिए के प्लेटफॉर्म पे इनरोलमेंट इतनी तेज़ी के साथ हुआ है कि सबको एक साथ मॉक कराना और क्लास कराना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं DPSC इंटरव्यू के लिए अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम कम है और इसमें पूरी प्रिपरेशन करवानी है। DPSC इंटरव्यू के लिए ख़ास तौर से जो ध्यान देने की बात है वो है कि अभी आप लोग कम से कम 30 मिनट्स की प्रैक्टिस आप मिरर के सामने कीजिए, क्योंकि मिरर के सामने जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। मिरर के सामने एक साइज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जितनी हाइट है उसकी हाफ साइज़ की मिरर होनी चाहिए, जहां आप 30 मिनट तक कंटिन्यू अपने ही क्वेश्चंस करने हैं और आंसर देना है और अपने आँखों में झांकना है। यह प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। दूसरी है कि प्रतिदिन कम से कम एक मॉक इंटरव्यू का आयोजन होना चाहिए। मॉक इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग क्लास के बजाय आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी ये बना सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनका इस बार मेंस हुआ है और PPSC के लिए इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, वो सभी मिलकर एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। या हमारी संस्था जो पूर्णतः निःशुल्क है मिशन 50 में आकर आप इनरोल हो सकते हैं, जहाँ की मॉक की व्यवस्था ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन की भी सुविधा है। प्रतिदिन हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। जो भी डाउट क्लियरेंस है, जो भी डाउट्स है उसको भी क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो जो अगर आपके डाउट्स है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे एक एक करके। तो जो BPSC से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप चैट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ और उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो आप इसको ज़रूर, यस क्वेश्चन आना आपका शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रेस सेंस क्या होना चाहिए। बात करेंगे बॉयज़ के लिए, मेल के लिए। मेल के लिए जो ड्रेस सेंस है वह है कि एक ट्राउज़र और शर्ट आपको यूज करना है। बट ट्राउज़र में खास तौर से ध्यान रखना है कि आप नेवी ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लैक यूज कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें लाइनिंग या डिजाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। शर्ट में आप 3 तरह के कलर यूज कर सकते हैं, लाइट पिंक, मिल्की क्रीम, मिल्की वाइट या क्रीम कलर की जो वाइट होती है, या फिर आप स्काई ब्लू शर्ट यूज कर सकते हैं। 3-4 ये कलर होते हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं तो अच्छा होता है। टाई जो है वही कैंडिडेट यूज करें जो कि कंफर्ट है, जो कि यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार आपने टाई बांध दिया और आपके लिए बहुत मुश्किल हो और इंटरव्यू बोर्ड में आपसे टाई का नॉट खोल के बांधने के लिए कहा जाएगा, तो ये अनकम्फर्टेबल या असहज स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो नहीं पहन, उससे कोई नंबर घटता बढ़ता नहीं है। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि BPSC के लिए जब हम इंटरव्यू फेस करने जाएं तो क्या पहन के जाएं, क्या हम ऊपर से ब्लेजर या सूट पहन सकते हैं। तो चूंकि यह विंटर का सीजन नहीं है, आप जानते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऐसे में आप बिल्कुल ही अवॉइड करें, मत पहने आप कोई भी ब्लेजर या सूट। जब विंटर का सीजन होता है तो मैं कहता हूँ कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी वह सिचुएशन नहीं है। सिंपल जो है ट्राउज़र और शर्ट का यूज़ करें। शूज आपकी जो है वो ब्लैक कलर की हो, या देख लीजिएगा ट्राउज़र आप ब्लैक कलर का भी ले सकते हैं। जनरली सभी कैंडिडेट जो है वो स्काई ब्लू का शर्ट यूज करते हैं, लेकिन मैं वैसे सभी जो कैंडिडेट हैं उनको कहूँगा कि बिल्कुल आप नकल ना करें कि स्काई ब्लू सबको पहनना है। अगर आपके फेस पर मिल्की वाइट अच्छा लगता है या फिर लाइट पिंक अच्छा लगता है, जो शर्ट आप पे अच्छा लगता हो, अच्छा दिखता हो, शर्ट को यूज कर सकते हैं। बट लाइनिंग वगैरह ना हो, डिजाइनिंग नहीं हो, प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं। अब रही बात कि रेडीमेड शर्ट पहने या फिर आप स्टिच करवाएं, अभी हर साइज में रेडीमेड शर्ट अवेलेबल है। ऐसे में मैं प्रीफर करूंगा कि आप रेडीमेड ही शर्ट यूज करें, जिसमें कि 38 साइज की आती है, 30.5 आती है, 39 आती है, 39.5 आती है, 40 आती है, 42 आती है, हर साइज की शर्ट अवेलेबल है। आप कम्फर्ट बोले देख लें कि कौन सा शर्ट आपको ईजी होता है, ट्राउजर भी देख लें जिसमें कि आपको ईजिली अच्छा आपका पर्सनालिटी जो है उभर के सामने है, वैसे यूज कर सकते हैं। शूज में खास तौर से आपको देखने की ज़रूरत है,
खास तौर से अगर आपको देखने की जो ज़रूरत है वो देखना यह है कि शूज जो है वो कंफर्ट हो, शूज की कलर ब्लैक हो, शूज में जब आप चलते हो तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं है, तो ये कैसे समझेंगे? शूज वो लेने के बाद बिल्कुल इंटरव्यू के दिन ही उसको यूज़ नहीं करना है, बल्कि आप उसको यूज़ करने के लिए पहले ही जब मॉक देते हैं तभी उसको यूज करना है। अगर आप मॉक के समय उसको चेक कर लेंगे तो जो आपकी शूज की क्वालिटी है वो भी पता चल जाएगा, कोई आवाज़ नहीं आती ये भी पता चल जाएगा, और ये आपको अपने यूनिफॉर्म के साथ जो ड्रेस आपने चूज किया है अपने इंटरव्यू के लिए उसको एक दो बार कम से कम आपको मॉक के समय यूज कर लेना चाहिए। वॉशेबल हो, वॉश करके फिर उसको आप यूज कर सकते हैं, अच्छे से आयरन करवा के फिर आप उसको इंटरव्यू में यूज करें। तो आप इस बात को खास तौर से ध्यान दें। थर्ड थिंग है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग ही होती है आपके बायोडाटा से। जब बायोडाटा की तैयारी आप कर रहे होते हैं तो आपके नाम, आपका जो स्कूल, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है उसके बारे में एक तो ये पोर्शन है। दूसरा है कि आपका गृह जिला, आपका जो स्टेट जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनकी समस्या, और आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसका ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक महत्व जो है वह स्पेशली खास तौर से ऐतिहासिक महत्व जो है और भौगोलिक महत्व आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी आपको अलग से करनी होगी। करेंट अफेयर्स को अभी आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही है तो करेंट अफेयर्स भी क्लास में पूछा जाएगा, सो करेंट अफेयर्स को भी खास तौर से आप देख लीजिए। तो करेंट अफेयर्स को आपको तैयारी कर लेनी है। अब रही बात की आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट चेंज किया है, फिर उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? जो कई बार देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है लोग वो चेंज करते हैं, जैसे आपने बीएससी किया है या फिर इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, आईआईटी किया है और आपने सब्जेक्ट लिया है आर्ट्स पेपर, उसकी वजह पूछी जाएगी, वह आपको आंसर करना पड़ेगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने है कि उसका वजह पूछा जाए तो आंसर क्या करना है, तो मेरी राय में उसका आंसर सीधा यही होता है कि आपको कम्फर्ट था, सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस था, आपके सीनियर्स ने उस सब्जेक्ट को लिया था इसलिए आप उस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। इंटरव्यू बोर्ड में जब आप जाते हैं तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको वेट करना पड़ सकता है, इंटरव्यू के लिए जब इन करते हैं तो आपकी घबराहट होती है, चेयर को आपको पीछे की तरफ उठा के फिर बैठना होता है, कई बार जो है रिवॉल्विंग चेयर होते हैं जिसको कि आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट किसी तरह से खींचने से बचना चाहिए, नहीं खींचना चाहिए। आप हमेशा जो है बोर्ड के पास पहुंचकर अपनी अभिवादन जो है गुड मॉर्निंग, नमस्कार जो भी आप यूज करते हैं उसको, ऐसा नहीं कि चलते चलते गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर नहीं बोलना है। अब आई कॉन्टैक्ट एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आई कॉन्टैक्ट जो बनाना होता है बहुत टफ। आई कॉन्टैक्ट के लिए अच्छा सा फॉर्मूला यह है कि आप हमेशा जो है इंटरव्यूअर जो है उनके नोज पर आप ध्यान देंगे तो हमेशा जो इंटरव्यू ले रहे हैं पैनल उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके आंखों में देख रहे हैं। जिनको आई कांटेक्ट में दिक्कत होती है, जो कि नीचे या ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, हमेशा जो जिन्होंने प्रश्न आपसे पूछा है उनको तो आंसर करना ही है, साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको जो बाकी पैनलिस्ट हैं, जो बाकी इंटरव्यू ले रहे हैं उनके तरफ भी आपको ध्यान, ताकि ये सभी को बराबर लगे कि सभी को आपने प्राथमिकता जो है समान रूप से दिया है। तो इंटरव्यू में आपको इन बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। इंटरव्यू में हमेशा जो है आपके जो ऑप्शनल पेपर है जिस भी सब्जेक्ट से किया है उसके खास 15-20 क्वेश्चन बना ले, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आप ध्यान रख लीजिए। आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप ध्यान रखिए, चूँकि बीपीएससी में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, ऐसे में बहुत देर तक आपका इंटरव्यू होगा नहीं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे बड़ा जिला, छोटा जिला, सबसे लंबी एनएच कौन सी है, छोटी एनएच कौन सी है बिहार में, इस तरह के प्रश्न का आंसर आप नहीं भी देते हैं नो प्रॉब्लम, बट यह पूछा जाएगा कि बिहार की समस्या क्या क्या है, बिहार के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या रोल होगा, अगर आपका चयन डीएसपी के लिए होता है, आपका चयन यदि एसडीएम के लिए होता है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आप क्या करेंगे, इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। कुछ है काल्पनिक टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिचुएशन आपको बना के दिया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने आपको घेर लिया है, दंगे की पोजीशंस है, आप उसमें से कैसे निकलेंगे, आपको लोगों ने घेर लिया है उसमें से कैसे निकलेंगे, तो ये सिचुएशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर भी पेशेंसली आपको आंसर बहुत अच्छे से देने की कोशिश करनी होगी।
जब उसका आंसर देंगे जितने बेटर ढंग से देंगे उतना अच्छा, क्योंकि मार्क्स आएंगे। बहुत सारे हॉबीज हैं, किसी को संगीत सुनना है, किसी क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, किसी को कुकिंग का हॉबी हो सकता है, किसी को बच्चों को पढ़ाना हॉबी है, अलग अलग हॉबी है। लेकिन हॉबी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और डिटेल तक जाइए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चों को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, बच्चों से बातें करना अच्छा लगता है, तो पहला ही क्वेश्चन आएगा, बच्चों को पढ़ाना आपको अच्छा क्यों लगता है, बच्चों को के साथ बातें कर, बच्चों से बातें करना आपको क्यों अच्छा लगता है, या बच्चों से पढ़ाना अच्छा क्यों लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो होंगे, तो इसका भी आंसर जो है आपको करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि आंसर जो है बिल्कुल लॉजिकली होना चाहिए और आंसर लगना चाहिए कि आप लॉजिक के साथ आंसर को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के बारे में जो आपके क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। और क्वेश्चन जो है मुझे जो दिख रहा है उसमें तो बिहार शिक्षक नियुक्ति के ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं, यानी कि आप लोग जो है आज बिहार शिक्षक नियुक्ति के बारे में भी आपके जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करना चाहते हैं, या उसमें जो आपको इश्यूज है उसको भी जानना चाहते हैं। तो एक एक करके उसको भी हम ले लेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए फिर वो बिहार शिक्षक नियुक्ति की बातें कर लेंगे। कोई भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू की खासियत होती है कि आपको अपने पर्सनैलिटी जो आपके आंतरिक और बाहर दोनों पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराना होता है। हमेशा आंसर जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आना चाहिए। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके भाव जो है केवल वर्बल नहीं होना चाहिए, नॉन वर्बल एक्टिविटी जो होती है आपके आई, आईब्रो, लिप्स, चीक्स, आपके हेड, आपके हैंड्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, एवरीथिंग जो है इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। जितनी अच्छे से अपनी बातों को रखेंगे उतने अधिक आपको मार्क्स। केवल यह कहना कि आप जो है बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठ गए और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि चलो बताओ भाई अकबर और अशोक में कौन महान था, आपने कहा दिया अशोक महान था, उसने जो है धर्म नीति अपनाया था और सभी धर्म, तो उसमें अगर आपने केवल एक स्टैचू की तरफ आंसर देना शुरू किया और सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, मेंस की तरह आपने बताना शुरू किया, नंबर नहीं मिलेगा जब तक कि आपको बात करते समय कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्ट करना होगा, स्माइलिंग फेस रखनी होगी, बट स्माइलिंग चिपका हुआ नहीं लगना चाहिए, नेचुरली लगना चाहिए। और ये प्रैक्टिस करते करते है, आपकी जानकारी बहुत है बट इंटरव्यू बोर्ड में जाते ही आपका जो है माइंड वो स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे कि आपको कहते हैं ना कि एग्जाम हॉल में बिल्कुल काम ही नहीं करता है दिमाग, तो वो इसलिए होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। ये तभी होगा जब मॉक इंटरव्यू जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देंगे, आपकी जितनी अधिक प्रैक्टिस हो पाएगी उतना ही आप कम्फर्ट हो पाएंगे, तभी आप जो है प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मॉक इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, थिंकिंग जरूरी है इंटरव्यू के दरमियान। इंटरव्यू बोर्ड में इंटर करने के बाद अभिवादन, आप जो भी नमस्कार या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी कहते हैं वो प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। जब वहाँ पे लेडी मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं तो आपको सबसे पहले लेडी का सम्मान करते हुए गुड मॉर्निंग मैम, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर कहना है। यह ध्यान रखना है आपको कमरे में हॉल में इंटर करने से पहले मैं आई कमिंग सर बोलना जरूरी होता है, आपको अनुमति लेनी होगी, अनुमति लेने के बाद आप अंदर जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। सो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें जो मैंने बताया है उतना से आप लोग संतुष्ट हो गए हैं। फिर भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है उन प्रश्नों को हम ले लेंगे, क्योंकि मिशन 50 के बहुत सारे स्टूडेंट आज हमसे जुड़े हुए हैं और इंटरव्यू की तैयारी के लिए खासतौर से आज आए हैं, उनके डाउट क्लियरेंस भी करना मेरा काम है। तो डाउट जो भी आपके पास है, जो भी क्वेश्चंस के डाउट्स है, जैसे समान तौर से आपका क्वेश्चन है कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपको एसडीएम बनाया जाए, तो बिल्कुल आपको बताना है कि आपकी क्वालिटी क्या है। ऑनेस्टी आपकी क्वालिटी है, वर्क करने की पैशन आपकी क्वालिटी है, आप डेडिकेट वर्क करते हैं, एक साथ कई काम को करने की आपके पास जो है एबिलिटी है, आप एनर्जेटिक हैं, आप डिसीजन जो है क्विक लेते हैं, डिसीजन करने में आप देर नहीं करते हैं,
तमाम तरह की क्वालिटी हो सकती है। तो क्वालिटी के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, जो स्पेशली मैंने देखा यूपीएससी में आपसे पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है। तो वीकनेस जो है, बहुत सारे वीकनेस बताने के बजाय आप यह कह सकते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और ये मेरी वीकनेस है, तो मेरी स्ट्रेंथ भी है। मजबूती इसलिए है कि जब आप इमोशनल होंगे तभी जो है पब्लिक की, लोगों की समस्या को समझेंगे, और लोगों की समस्या को समझेंगे तो उसको उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समाधान करेंगे। सेंसेटिव होंगे, अगर लोगों की समस्याओं के प्रति सेंसेटिव होंगे तो ये आपके काम है। बट ओवर इमोशनल नहीं है, बहुत अति संवेदनशील नहीं है। अति संवेदनशील होना खतरनाक होता है, जब आपके डिसीजन जो है गलत भी हो सकते हैं और सही दिशा में आपका डिसीजन नहीं भी हो सकता है, और कई बार आपके भावना में ले गए निर्णय जो है गलत होता है। तो यह बताना है, केवल आप इमोशनल हो सकते हैं बट अति संवेदनशील नहीं हो सकते। तो ये आपकी जो है वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा दूसरी जो वीकनेस अगर आपकी है वो भी बताना चाहिए। और यह नहीं है कि आप जो है वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो ये नहीं बताना है कि हम गुस्सा होता है, ये सब है आपकी वीकनेस है। एक वीकनेस हो सकती है कि आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, ये वीकनेस हो सकती है। तो इंटरव्यू के दरमियान इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इंटरव्यू जो है बिल्कुल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपनी पर्सनालिटी जो अपनी बचपन से लेकर अब तक की उम्र में जितनी अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ है उसी का उस समय प्रदर्शन है। सो फ्रेंड्स, जो भी 65th BPSC इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसे मेरा सलाह होगा कि आप मॉक डेली प्रतिदिन दें। मिशन 50 में भी उसकी मॉक का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का इशू भी है और साथ ही कोचिंग क्लासेस नहीं खोले गए हैं, तो बड़े पैमाने पे या बड़े लेवल पे इसका मॉक का आयोजन नहीं हो सकता है। खासतौर से हम लोग ऑनलाइन ही मॉक का आयोजन डेली प्रति 9 बजे से शुरू करवाते हैं। तो 9 बजे के दरमियान अगर आपका मॉक होता है आप इनरोल हो सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए मैं चैट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इनरोलमेंट के बाद आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, फिर आप मॉक लीजिए। मॉक के अलावा जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपकी जो भी तमाम तरह के प्रश्न हो, कैसे इंटर करना है, सभी तरह के क्वेश्चंस का जवाब आपको दिया जाएगा। सो आई होप कि आप लोग BPSC इंटरव्यू के बारे में जो भी आपके क्वेरी और क्वेश्चन थे उसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनका डिस्ट्रिक्ट पटना है, पाटलिपुत्र के बारे में, अशोक मौर्य के समय से लेकर या मौर्य गुप्ता के पीरियड के समय को पूछा जा सकता है। नालंदा है, उनके लिए बहुत सारे नालंदा विश्वविद्यालय सहित राजगीर का महत्व जो है वो हरियक वंश के समय से लेकर अब तक में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। उससे वैशाली जिनका डिस्ट्रिक्ट है, केसरिया है, मोतिहारी, चंपारण, सब गांधी जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी रहा है, बेतिया का एरिया। सो सभी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक महत्व है, ज्योग्राफिकल उसका वैल्यू है, तो इसीलिए आपसे वह प्रश्न पूछा जाएगा। सो काइंडली आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे गया का है, गया के कई खासियत है। गया में जहाँ विष्णुपद मंदिर है वहाँ वहीं पर जो है फल्गु नदी के किनारे जो है जो पितर या यूं कहें कि जो मोक्ष के लिए प्राप्ति के लिए मृत्यु के बाद उनके परिजन द्वारा वहाँ जो आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, जो लिंग दान किया जाता है उससे प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। और वहाँ गया के चित्रकूट के बारे में इसलिए प्रश्न मुझे IAS के इंटरव्यू में पूछा गया, तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा। सभी तरह के महत्व है, गया बिहार का सबसे गर्म जिला है, वहीं सबसे ठंडा जिला भी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चट्टान है वो ओपन है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ या पौधे नहीं है वहाँ पे, जिसके चलते गर्मी भी होती है, ठंडे में ठंडा भी पड़ता है। तो ये तमाम तरह के प्रश्न, हर जिले का अपना बिहार की खासियत है, हर जिले में अपनी अपनी खासियत रही है। और बिहार का ऐतिहासिक है कि आप देखेंगे कि प्राचीन समय से ही बिहार जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा है पूरे भारत को शासन, बट पाटलिपुत्र से हो रहा था पीरियड के समय तक, बाद में धीरे धीरे वह कन्नौज और दिल्ली की तरफ शिफ्ट करता गया। तो ये मेरे ख्याल से हो सकता है कि पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे BPSC इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चूँकि आप लोगों ने क्लिप्स क्लियर किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो